एक ओर भारत के बहुसंख्यक समाज और उसके धर्म को लेकर विपक्षी दलों द्वारा अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। सनातन धर्म को न केवल अपमानित करने बल्कि उसके समूल नाश का आह्वान किया जा रहा है। दूसरी ओर सनातन धर्म का गुणगान, उसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। वैश्विक मंचों से सनातन धर्म की प्रशंसा हो रही है। नमस्कार मेहमानशी, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। जिस सनातन धर्म की समाप्ति की विपक्ष कामना कर रहा है, उसी सनातन धर्म की जय जयकार विदेशी धरती पर हो रही है। यही वजह है कि इस बार अमेरिका में सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा हुई है। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका लुइसविले के केंटुकी में स्थित एक हिंदू मंदिर में अभिषेकम उत्सव के दौरान मेयर ग्रीनबर्ग की ओर से डिप्टी मेयर बारबरा सेक्सटन स्मिथ ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की आधिकारिक घोषणा की है। इस आयोजन के दौरान सनातन धर्म के गुरुओं की भी मौजूदगी रही। आयोजन में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, आध्यात्मिक नेता चिदानंद सरस्वती, ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष और भगवती सरस्वती के अलावा वहां डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ कीशा डोर्सी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जैकलीन कोलमैन समेत अध्यात्म से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने भाग लिया। अमेरिका से एक खबर उस समय सामने आई जब भारत ने इंडिया अलायंस के नेता सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह समाप्त करने की बात कह रहे हैं। कुछ डेंगू काइचल मलेरिया कोरोना இதெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்க கூடாது ஒழித்து கட்ட வேண்டும் அப்படிதான் இந்த சனாதனம். உதயநிதி के बयान देते ही उनके समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे भी सनातन धर्म का विरोध कर उसे खत्म करने की बात कह रहे हैं। इसी तरह कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी सनातन धर्म की उत्पत्ति को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। विपक्षी राजनेताओं द्वारा इस तरह के बयान हिंदुओं के प्रति उनकी घृणा स्पष्ट रूप से दर्शाती है। आज भले ही इंडिया अलायंस सनातन धर्म के विरोध में खड़ा है, लेकिन सनातन की ध्वजा विदेशों तक अपना परचम लहरा रही है। विदेशी भूमि में हिंदू देवी देवताओं और उनके मंदिरों की स्थापना की जा रही है। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों में भी हिंदुओं के मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। सनातन धर्म की वैश्विक मान्यता का ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि अमेरिका में अब सनातन धर्म दिवस की घोषणा की गई है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।